हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है बेसिक मैथ सीरीज राउंड 4 का। ये पहला वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम लोग सीखेंगे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हम लोग 3D कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मेंसुरेशन में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, 3D कंप्लीट करेंगे इसमें। इससे पहले जो है बेसिक मैथ सीरीज का राउंड 1, 2, 3 आ चुका है। 1, 2, 3 आ चुका है जिसमें बेसिक बेसिक चीजें कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और राउंड 3 में हम लोगों ने 2D को कंप्लीट किया था, और राउंड 4 में हम लोग जो है वो 3D को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो, वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और हम उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं जाके। ठीक है, और एक चीज, ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियोस बिल्कुल फ्री होते हैं। देखिए, वीडियो की क्वालिटी आप देखोगे तो ये प्रीमियम क्वालिटी की वीडियोज है, लेकिन यूट्यूब पर आपको फ्री में अवेलेबल मिलेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन जो कोई मेरे गाइडेंस में रह के इन चीजों को सीखना चाहते हैं, क्लास का नोट्स लेना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, जो कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब मेरे गाइडेंस में वो सीखना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करके और हमसे जुड़ सकते हैं, और वहां पर आप उस तरह से सीख सकते हैं। और वैसे भी अगर वीडियो देख के आप चाहें तो सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग 3D में जो है वो हम लोग 3D में सीखेंगे क्या, एरिया निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब आयतन, ये चीजें सीखेंगे। और जो घन है, घनांक है, बेलन है, शंकु है, गोला है, सभी चीजों को बारी बारी से देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है ये जो मीटर पद्धति है, मीटर सिस्टम है, इन चीजों को देखेंगे, क्योंकि ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में काम में आने वाली चीजें हैं। इसके बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए, इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना स्किप किए ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में जो आपको मेहनत करना पड़ता है ना यूनिट को चेंज करने के लिए, ठीक है, जब यूनिट को आप चेंज करते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन में वहां पर जाकर जब आप फंसते हो तो वो समस्या दूर हो जाएगी आपकी, और वहां आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंसुरेशन की। ठीक है, मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में होता क्या है, देखिए मेंसुरेशन में होता क्या है, हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल जो है उसका मापन, क्षेत्रफल ही नहीं उसका टोटल पूरा मापन, और क्षेत्रमितीय ज्यामितीय आकृतियों में स्पेशल क्या, तो 3D त्रिविमीय, मतलब जिसका 3 डायमेंशन हो, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन चीजों के बारे में स्पेशली मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए मीटर सिस्टम देख लीजिए, और क्लास में ऐसा होगा कि हम आपको याद करा देंगे। आप ऐसा करिए क्लास में शामिल हुए, शामिल होने का मतलब हम आपको जो कहते हैं वो करते चाहिए, जो बोलने के लिए बोलते हैं वो बोलिए। तो होगा क्या कि आप बाद में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं चीजें जो है उसको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको बोलिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। इसको आप एस इसी सीरीज में बोलेंगे, पहले मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब देखिए मीटर यहाँ बीच में, देखिए यहाँ जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ मीटर भी लिखा हुआ है, लीटर भी लिखा हुआ है, ग्राम भी लिखा हुआ है। तो आप इन सब में जहां मिली लिखे ना, यहाँ पर आप मीटर लगा सकते हो, या आप लीटर लगा सकते हो, या आप ग्राम लगा सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि मिलीमीटर की बात कर सकते हैं, मिलीलीटर की बात कर सकते हैं, मिलीग्राम की बात कर सकते हैं, तो उसी तरह सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, सेंटीग्राम, कुछ भी। तो लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या है, मीटर के बारे में देखेंगे। मीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लंबाई चौड़ाई यही सब मापना है, तो मीटर हमारे काम में आने वाली चीजें हैं। तो मीटर हमारा यहाँ पर जो 3D हम लोग अभी सीख रहे हैं, इसमें मीटर हम लोगों को सीखना है, मीटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मतलब
पढ़ना मीटर के बारे में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें मीटर सेंटीमीटर ये सारी चीजें आएंगी। तो मीटर में ध्यान दीजिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, उसके बाद डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ऐसा बोलिए आप लोग, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है, ऐसा आप रिपीट करिए। वीडियो देखने के बाद भी आप मन ही मन इसको बोलना है आपको, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक, बोलते जाइए मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब देखिए इसको यहां से हटा देते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में आप देखोगे कि मीटर में दिया रहता है, सेंटीमीटर में निकालना होता है, या सेंटीमीटर में दिया रहे तो मीटर में निकालना होता है, इस तरह की चीजें होती है, मतलब या तो डेसीमीटर में दिया रहे या किलोमीटर में दिया रहे उसको मीटर में चेंज करना होता है। वो तो क्वेश्चन बनाते हैं, वो हम बताएंगे कि कब कब चेंज करना होता है, कैसे चेंज करना होता है, लेकिन चेंज करना होता है, सभी क्वेश्चन में नहीं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में चेंज करना होता है, और जहां चेंज करना होता है तो वो नहीं आते रहता है, तो वहां पर समस्या होती है, और उस क्वेश्चन में उस वक्त हम आपको चेंज कर भी देंगे, लेकिन इतना डिटेल में तो नहीं बताएंगे कि चेंज कैसे कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर स्पेशल वही बता रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए नीचे से ऊपर जाते वक्त कब जाना है, कैसे जाना है, वो अभी हम बताएंगे। हम लोग 10 से गुना करते हैं, गुना 10, नीचे से ऊपर जाते वक्त प्रत्येक स्टेप में क्या करते हैं, गुना 10, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या करते हैं, गुना 10। अभी हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे, जितना बता रहे हैं बस उतना ही ध्यान से देखिए। गुना 10 करते हैं, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या करते हैं, प्रत्येक स्टेप में देखिए गुना 10। अभी आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका मतलब, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या करते हैं, गुना 10, और ऊपर से नीचे आते वक्त क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। ऊपर से नीचे आते वक्त क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, प्रत्येक स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में ऊपर से नीचे आते वक्त 10 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, कब करेंगे, ऊपर से नीचे आते वक्त। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर सीख जाओगे ना ये चीजें, बहुत जगह काम में आने वाली है, फिजिक्स में भी आपको काम में आएगा और मैथ में तो आएगा ही आएगा बहुत। ये नहीं है कि केवल आपको 3D में या मेंसुरेशन में केवल ऐसे प्रश्नों के हल करते वक्त आपको इसकी आवश्यकता होगी, बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें आपको इनकी आवश्यकता होती है। समय, दूरी, चाल, उसमें भी आपको चेंज करना होता है, दूरी, जहां पर भी दूरी, डिस्टेंस, लंबाई, चौड़ाई आएगी वहां पर ये आवश्यकता हो सकता है, ठीक। अब ये देखिए हमने जो बताया कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाते वक्त 10 से, मतलब नीचे से ऊपर जाते वक्त गुना 10 करना है प्रत्येक स्टेप में, और ऊपर से नीचे आते वक्त डिवाइड करना है 10 से प्रत्येक स्टेप में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर मान लीजिए कि 50 या 500 या 50, देखिए 50 मीटर दिया है और हमको चाहिए सेंटीमीटर में, कि ये सेंटीमीटर में कितना होगा, हमको क्या करना है, देखिए 50 मीटर है और हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में, समझ रहे बात को, क्वेश्चन में 50 मीटर दिया गया है और आवश्यकता है हमको वहां पर उसको सेंटीमीटर में बदलने की आवश्यकता है, तो हम कैसे बदलेंगे उनको। तो देखिए मीटर, मीटर यहां पर और सेंटीमीटर यहां पर, ठीक है, हमको मीटर से सेंटीमीटर, मीटर में तो दिया गया है, सेंटीमीटर में चाहिए, देखिए मीटर में दिया गया है सेंटीमीटर में चाहिए, यानी कि मीटर में, यहां पर मीटर है ये दिया गया है, चाहिए क्या, सेंटीमीटर चाहिए, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कितना स्टेप है, देखिए मीटर से पहले मीटर के बाद पहले जाएंगे डेसी पे और डेसी के बाद जाएंगे सेंटी पे, दो स्टेप, कितना स्टेप, दो स्टेप, तो एक बार 10 से गुना फिर 10 से गुना, मतलब दो बार 10 से गुना, तो 50 मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाना है तो दो बार 10 से गुना करेंगे, यानी कि 100 से गुना करेंगे, यानी कि 5000 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 को
100 से गुना करना पड़ेगा तो 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा वो। ठीक है, कैसे चेंज किया पता चल गया, कैसे चेंज किए वो आपको पता चल गया कि कैसे चेंज किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका इसके अपोजिट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको सेंटीमीटर में दिया गया, कितना दिया गया 600 सेंटीमीटर दिया गया है और मीटर में पूछ रहा है कि कितना मीटर होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर इसमें दिया गया है, ठीक है, पूछ रहा है किसमें, तो मीटर में पूछ रहा है। तो मीटर कहाँ है, मीटर यहां है, मीटर यहां है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे आते वक्त प्रत्येक स्टेप में 10 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, सेंटीमीटर से हम मीटर पे आ रहे हैं, तो कितना स्टेप हम क्रॉस कर रहे हैं, ये पहला स्टेप डेसी और उसके बाद ये दूसरा स्टेप तब मीटर, दो स्टेप। तो दो बार 10 से डिवाइड करेंगे, तो 20 मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, दो बार मतलब 100 से। देखिए, एक बार 10 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, दो बार 10 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि एक ही बार 100 से डिवाइड कर दीजिए। या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 10 से 10 से 20, जितना स्टेप होगा उतना 0, गुना करते वक्त भी डिवाइड करते वक्त भी। तो 20 है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 600 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 20 20 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 6, और ये मीटर हो गया। तो 600 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर, क्या हो गया 600 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। इस तरह से चेंज किया जाता है। अब देखिए, किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें, किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें, मान लीजिए 7 किलोमीटर है और इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। इसको किस चीज में चेंज करना है, मीटर में, क्या होगा, तो किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है, किलोमीटर में दिया गया है, मीटर में पूछ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब जो दिया गया है वहां पर आप खड़ा हो जाइए, जो पूछ रहा है उसके तरफ जाइए। तो आप देख लीजिए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो गुना करेंगे, तो किस से गुना करेंगे, मतलब देखिए कितना स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीन स्टेप, मतलब तीन, एक पर तीन को 0 से गुना करेंगे, 7 को गुना करेंगे, एक पर 3 0, 3 0 क्यों, क्योंकि 3 स्टेप था, और गुना क्यों किया, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जाते वक्त गुना करते हैं, तो 7000 मीटर। ठीक है, इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। तो किसी को भी इसमें जितना दिया गया, किलोमीटर, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, इसमें से किसी को भी किसी में चेंज करना हो, किसी को किसी में, मतलब कोई एक दिया रहे और दूसरा पूछे तो चेंज कर लोगे आप। बस आपको याद रहना चाहिए इसी सीरीज में, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, और यहाँ पर मीटर लिख दीजिए, किलोमीटर, मीटर की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर, और लीटर की जब बात करेंगे तो किलोलीटर, और ग्राम की बात करेंगे तो किलोग्राम, फिलहाल हम लोग मीटर की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर। तो इसको इसी सीरीज में याद करिए, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, इस सीरीज में आप इसको याद कर सकते हो, और सकते हो नहीं, करना चाहिए आपको, और कर ही लीजिए, जितना बार हम बोले उतना बार आप बोलोगे तो आपको भी याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब चलिए, वो चीज तो हो गया, आप चेंज तो कर लोगे, ठीक, चेंज तो आप कर लोगे, वो सही है। अब देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं कि एक चीज और, एक नई बात, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपके लिए नई बात होगी, और जानते होंगे तो रिवीजन की दृष्टि से देख सकते हो। अब एक हम घनाभ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, घन, घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब, क्यूब मतलब घन। देखिए कैसे बनाते हैं, ये फिगर बनाना भी आप सीख सकते हो यहाँ से, ऐसे 2D पर 3D, 3D कैसे बनाए, सही ढंग से तो नहीं, लेकिन आपको देखकर पता चलेगा कि हाँ ये घन है, क्या है, ये घन है, या इसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब या घन, जो आपको पसंद है आप इसको बुला सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब एक ऐसा घन देखिए, घन जो है, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है,
तो एक मीटर वाला लिए हैं हम लोग घन, कौन सा घन लिए हैं जिसकी लंबाई एक मीटर है, चौड़ाई भी एक मीटर है, ठीक है, चौड़ाई ये चौड़ाई हो गया, ठीक है, ये चौड़ाई हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई कितना है, ये भी एक मीटर है, ठीक है, ये ऊंचाई हो गया ये, और एक सेकेंड बढ़िया से कर देते, ये रेड वाला जो है ये चौड़ाई हो गया, ठीक है, ये भी एक मीटर है, और ये ब्लू कलर वाला या जो कलर ब्लू कलर वाला ये लंबाई है, ठीक है, ब्लू कलर वाला लंबाई है, रेड कलर वाला चौड़ाई है, ग्रीन कलर वाला ऊंचाई है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक मीटर है, एक ऐसा घन हम लिए है जिसकी लंबाई एक मीटर, और घन है तो चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगा ही, तो एक मीटर भुजा वाला घन है जिसकी सभी भुजाएं एक मीटर है और सभी भुजा बराबर होगी ही क्योंकि वो घन है, घन के बारे में पढ़ाएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि बराबर होता है क्या होता है, क्या सब चीजें कितनी होती है, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए तीनों चीजें बराबर होती है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, और हमने ऐसा घन लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक मीटर है, ठीक, ऐसा क्यूब लिया है। अब इसमें हम लोग अगर पानी भर देते हैं, इस वाले क्यूब में अगर हम लोग पानी पूरा फुल कर देते हैं, पानी इसमें पूरा बराबर भर देते हैं पानी, तो वो पानी जितना पानी आएगा वो पानी होगा कितना, तो 1000 लीटर, कितना पानी होगा 1000 लीटर, ये स्टैंडर्ड यूनिट समझिए इसको, ये मतलब ऐसा माना गया है कि अगर हम एक मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला घन लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं तो उस पानी की जो मात्रा होगी उसको हम लोग 1000 लीटर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग 1000 लीटर, ये ऐसा जो लोग निर्णय लेते हैं ऐसा बहुत पहले लिया गया है, आपको बस समझना है जानना है कि एक ऐसा घन लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक मीटर है, उसमें अगर पानी फुल कर देंगे तो उस पानी वो पानी जो होगा वो कितना होगा 1000 लीटर होगा, तो 1000 लीटर होगा, तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं जब इस घन का आयतन निकालेंगे तो 1 मीटर क्यूब होगा, और 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया 1000 लीटर, 1000 लीटर, ये आप याद कर सकते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि 10^3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, LTR लीटर, 1 लीटर, आप ऐसा भी कह सकते हो 10^3 मीटर सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर कितना होता है, अगर आप 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लोगे तो उसमें जो पानी आएगा वो 1 लीटर पानी होगा, अगर 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और उसमें पानी फुल करोगे आप तो वो जो पानी होगा वो 1 लीटर होगा, और अगर 1 मीटर भुजा वाले घन लेते हो आप तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा उस टैंक में, ये जो टैंक है उसमें कितना पानी आएगा 1000 लीटर, ठीक है, समझाना हम इतना ही चाह रहे थे कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है 1000 लीटर, ये बाद में काम में आएगा क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक, ये चीजें आप समझ चुके हैं, तो अब क्या समझना बाकी रह गया आपको वो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या, तो लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को हम लोग किस चीज में डिनोट करेंगे, चौड़ाई को किस चीज से डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, और ऊंचाई को किस चीज से हम लोग डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जब हम मापते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जब हम मापते हैं तो या तो सेंटीमीटर में मापेंगे या मीटर में मापेंगे या किलोमीटर में मापेंगे, लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है तीनों, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को किस चीज में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, ठीक है, ये चीज हो गया पहली बात, और दूसरी बात कि क्षेत्रफल को, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को जब कभी हम लोग मेजर करेंगे मापेंगे तो उसको किस चीज में हम लोग मापेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इन चीजों में हम लोग मापते हैं, क्योंकि देखिए एरिया जब भी होता है वो स्क्वायर में होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, इसलिए एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा या किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद एक और बात, आयतन, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। आयतन को हम लोग किस चीज में मापेंगे, आयतन को हम लोग मापेंगे सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब या फिर लीटर, LTR मतलब लीटर, लीटर लीटर तो आप लोग जानते ही होंगे, 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल जो कुछ भी, दूध भी 1 लीटर 2 लीटर या फिर कोई तेल हो 1 लीटर 2 लीटर, लीटर तो आप लोग जानते होंगे। तो वॉल्यूम, आयतन, आयतन या वॉल्यूम उसको किस चीज में मापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या लीटर में मापेंगे आप लोग, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, जैसे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, जब एरिया होता है तो स्क्वायर हो जाता है और जब आयतन की बात आता है तो वो क्यूब हो जाता है, ठीक है। लीटर में क्यूब मत लगा दीजिएगा, लीटर में क्यूब नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, लीटर 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 जो है वो अभी हम आपको समझाए थे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इस तरफ देखिए क्यूब लगा हुआ है और ये इसके इक्वल होता है, तो लीटर में क्यूब मत लगाइएगा, ठीक है। तो आयतन को किस चीज में मापेंगे, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब और लीटर में माप सकते हैं आप। और एक चीज क्वेश्चन में आयतन के जगह पर आयतन को धारिता भी लिखा हुआ हो सकता है, धारिता, धारिता भी बोल देते हैं कभी कभी उसको, या फिर इंग्लिश में अगर बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम हो सकता है या कैपेसिटी भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटी भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, वॉल्यूम लिखा हो या कैपेसिटी, कैपेसिटी लिखा हो या धारिता लिखा हो या आयतन लिखा हो, एक ही बात है भाई साहब। तो वॉल्यूम कैपेसिटी आयतन धारिता एक ही बात है, ठीक है, ये चीज इन चीजों में नहीं घबराना है, ये एक ही बात है, ये बराबर होते हैं सारे, सारे के सारे बराबर है, मतलब एक ही बात है, एक ही बात है, अलग अलग बोलने का तरीका है। क्वेश्चन में कहीं पर वॉल्यूम लिखा होगा, कहीं पर कैपेसिटी लिखा होगा, हिंदी में कहीं पर धारिता, कहीं पे आयतन, तो वो एक ही चीज है, उसमें घबराना नहीं है। तो आयतन को किस चीज में मापते हैं आपको पता चल गया, एरिया को किस चीज में मापते हैं आपको पता चल गया, इन चीजों को आप लोग को दिमाग में एडजस्ट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त फिर इन छोटी छोटी चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे और रिपीट नहीं करना पड़े। अब देखिए होता क्या, जब हम क्वेश्चन समझाते हैं तो उस वक्त हमको लगता है कि अब पार्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए, वहां पर मान के चलिए 50 मीटर था और हमको सेंटीमीटर में चाहिए, तो अगर हम इसको ऐसे करते, देखिए सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ता है, तो ये 5000 सेंटीमीटर हो गया। तो आप लोग समझ गए ना कि 100 से गुना करना होगा, आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनाते वक्त ऐसा हम बोल देंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आप समझ गए हैं कि कैसे चेंज किया जाता है, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं होता है, मुझे लगता है कि अब ये चीज हम यहाँ पर केवल मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना बताए हैं, लेकिन कहीं पर डेकामीटर हो, हेक्टोमीटर हो, किलोमीटर हो, मिलीमीटर हो, वहां से हमको चेंज करना हो, तो फिर वहां पर तो आप लोग मतलब फंस जाओगे, आपको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में अगर आप सुने नहीं है, आपको तो लगेगा कि मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में बदलना है, 100 से गुना करेंगे, सीधी बात। लेकिन मेरे मन में लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए ये वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों का जो वो डाउट है, मतलब कुछ भी हो भाई साहब तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, कुछ भी हो आप लोग कर लोगे, ऐसा मेरा सोच था, इसलिए ये वीडियो हम बनाए। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसा मैंने समझाया, आप अगर समझ गए हैं तो आपको पता भी चला होगा कि ये वीडियो प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो है, फ्री में अवेलेबल, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी है आपके लिए, ये बेहद ही उपयोगी, अगर ध्यान से देखे होंगे तो चीजें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है सारे के सारे काम में आने वाली चीजें हैं, बकवास की चीजें नहीं है, आपको काम में आएंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो आप चाहे, आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए, जो कुछ भी मन में क्वेश्चन आता है, डाउट आता है, वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जो कोई भी चाहते हैं कि मेरे गाइडेंस में आप सीखे चीजों को, 3D को, इससे पहले बेसिक मैथ 3 राउंड 1 2 3 आया, उसको भी आप लोग अगर चाहते हैं कि
उसको भी आप लोग ज्वाइन करके सीखना चाहते हैं, उसके नोट्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, जो कुछ भी डाउट हो सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सभी के लिए वो पेड होता है, ठीक है, वो पेड, वो फ्री नहीं होता है। वीडियोज फ्री हैं, वीडियोज में जो कुछ भी डाउट आया वो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछो, उसका जवाब हम कॉमेंट बॉक्स में देंगे, ये भी फ्री है, इसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे अंदर में रह के आप सीखना चाहते हो, मतलब हमसे जुड़ के सीखना चाहते हो, अंदर में रह के नहीं, जुड़ के, हमारे साथ जुड़ के आप सीखना चाहते हो, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करके आप वहां से जुड़ सकते हो हमारे साथ, और मेरे साथ आप लोग सीख सकते हो उन चीज़ों को, वो पेड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्यूब की बात करेंगे, घन की बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं।